गौतम बुद्ध से एक भक्त ने पूछा, संसार कैसा है? गौतम बुद्ध से एक भक्त ने पूछा संसार कैसा है, तो गौतम बुद्ध ने एक सफेद कागज बुलवाया, एक शीट बिल्कुल व्हाइट कलर की एकदम सफेद शीट को बुलवाया, और गौतम बुद्ध ने एक डंडी को तोड़कर उस डंडी में से काजल की एक बिंदी छोटी, बिल्कुल छोटी, उस सफेद शीट पर, उस सफेद कागज पर लगा। कागज पे लगा जो सफेद शीट थी, जो सफेद कागज था, एक छोटी सी काजल की बिंदी ली और गौतम बुद्ध बाबा ने उस कागज पर, उस शीट पर, उस काली एक छोटी सी बिंदी लगा दी, और बिंदी लगाने के बाद किसी को नहीं बताया कि मैंने इसमें कोई बिंदी लगाई है। गौतम बुद्ध बाबा से पूछा गया संसार कैसा है, तो गौतम बुद्ध बाबा ने किसी को नहीं बताया इसमें कोई काजल सी बिंदी लगी है, बस गौतम बुद्ध बाबा ने वो कागज सामने टांग दिया, सामने लगा दिया, और जितने भी लोगों ने प्रश्न किया था, जितने बैठे थे, 50 हो, 100 हो, 25 हो, सबसे कहा कि आप मुझे बताओ किस कागज में आपको क्या दिख रहा है। सबने एक स्वर में बोला, इस कागज में एक काली बिंदी नजर आ रही है। इस कागज में हमको एक काली बिंदी नजर आ रही है। गौतम बुद्ध बाबा ने कहा बस ये संसार है। इतना बड़ा कोरा कागज था, उस कोरे कागज को सपने देखा, पर सबने एक ही बात कही कि काली बिंदी नजर आ रही है, पर किसी को वो सफेद कागज या कोरा कागज नजर नहीं आता। आप परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में, मोहल्ले में, समाज में, अपने व्यवहार के अनुसार आप कितना भी कर लो, आप किसी के लिए जान निकाल कर रखो, कितना कुछ कर कर रख दीजिए, पर इतना करते करते आपने बहुत कर दिया। किसी को गाड़ी, किसी को बंगला, किसी को सामान, किसी को जायदाद, किसी को प्रॉपर्टी, किसी को ये, किसी को वो, दुनिया का काम आपने दुनिया वालों का करा, पर एक काम यदि किसी व्यक्ति का नहीं करा, अर्थात जिसका काम आप 50 बार करते आ रहे हो, जिसका काम आप 100 बार करते आ रहे हो, जिसका काम आप 10 बार करते आ रहे हो, 10 बार आपने उसका काम कर दिया, और एक बार यदि उसका काम नहीं करा तो वो 10 बार करा हुआ काम भूल जाएगा, और वो एक बार का काम याद रखेगा कि मेरा ये वाला काम नहीं करा। ये संसार सागर, ये संसार सागर का वर्णन गौतम बुद्ध कर रहे हैं। गौतम बुद्ध ने कहा यह संसार सागर है कि कोरा कागज किसी को नहीं दिख रहा, पर एक छोटी सी काजल की जो टिपकी है, एक काजल की बिंदी है, वो बिंदी सबको नजर आ रही है, पर कोरा कागज किसी को नहीं दिख रहा, कोरा कागज किसी को नजर आ रहा। कोरा कागज की अंदर जो बिंदी है वो देखना सबको दिखा, पर कोरा कागज, गौतम बुद्ध कहते हैं इतना बड़ा कागज था, किसी को तो कह देना था कि इतना बड़ा कागज कोरा है, पर वो कोरा नहीं दिखा, सबको वो बिंदी नजर आई। उसी तरह ये संसार है, आप कितना भी अच्छा कर दो। एक बुजुर्ग माँ, एक माता अपने बेटे को, चार बेटे हैं, तीन बेटे हैं, पांच बेटे हैं, बुजुर्ग माता उन पांच बेटों को, चार बेटों को बराबर का दूध पिलाती है। बोलो रे अशोकनगर की जीजियों, इतनी बूढ़ी बुजुर्ग बुजुर्ग माता बेटियां अपने बेटे को बराबर का दूध पिलाती, ये नहीं कि मैं छोटे बेटे को ज्यादा दूध पिलाऊंगी, तो मंजिले को कम पिलाऊंगी, तो संजले को ज्यादा पिलाऊंगी, कि बड़े को ज्यादा पिलाऊंगी। एक माँ अपने बच्चे को बराबर दूध पिलाती है, एक माँ अपने बच्चे की बराबर परवरिश करती है, एक पिता अपने बच्चे को बराबर का वैभव देता है, एक माता पिता अपने बच्चों को बराबर का परवरिश करते हैं, बराबर का ज्ञान देते हैं, बराबर का स्कूल में पढ़ाते हैं, एक माँ अपने बच्चे को बराबर का दूध पिलाती है। उसके बाद बराबर का दूध पिलाने के बाद भी एक समय ऐसा आता है कि उस समय पर बच्चे के दिमाग में यह बैठ जाता है कि मेरी मम्मी मुझको ज्यादा स्नेह नहीं करती, मेरे पापा मुझे ज्यादा प्रेम नहीं करते, मेरे घर के लोग मुझे ज्यादा चाहते नहीं है। कारण क्या है? और बच्चों में भेद नहीं होता, भाई भाई में कभी भेद नहीं होता, भाइयों में तो इतना प्रेम होता है कि एक के लिए एक अपनी जान निकाल के लग रहा। दिक्कत भाइयों में नहीं होती, दिक्कत तो जो ये जगदम्बा होना आती है ना, त्रिवेणी संगम, ये जब एकाग्रित होती है ना तब दिक्कत चालू होती है। ये स्लो पॉइजन देती है, देख लो तुम्हारी मम्मी को, देख लो तुम्हारे पापा को, सब उन्हीं के लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं करा, उन्हें जिंदगी में कुछ नहीं करा, जिंदगी में कुछ नहीं करा, बस ये स्लो पॉइजन थोड़ा 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 जो देना चालू करा चंद्र घंटा ने, और ये भेरू पे सिंदूर चढ़ गया। अब इसके दिमाग में बैठ गया कि मेरा भाई बुरा, मेरी भाभी बुरी, मेरा कुटुंब बुरा, मेरा परिवार बुरा, मेरा ये बुरा, मेरा वो बुरा, पर कोई कोई घर की एक माँ, घर की एक बहू ऐसी होती है, वो कभी अपने पति से ये नहीं कहती कि कोई बुरा है, वो एक बात कहती है जब दुख की घड़ी परिवार में आए तो अपन दोनों चलते हैं, चलो खड़े हो जाते हैं। वो घर की बहू लक्ष्मी के तुल्य होती,
आप चिंता मत करो, चलो मैं चलती हूँ। आपको आने में दे दिया क्या? आप नहीं आ रहे हो क्या? आप कहीं काम में फंसे हो और परिवार में दिक्कत आ गई? तो धर्म पत्नी कैसी होना चाहिए? तुरंत उतर सामने खड़ी हो जाए, मैं हूं। शिव महापुराण में वर्णन मिलता है महाराज। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर घूमने के लिए निकले थे और भ्रमण पर निकले भगवान शंकर पार्वती को लेकर, और भगवान शंकर को बहुत तेज भूख लगने लगी, बहुत तेज। आप लोग आराम से बैठो, हम समझ रहे हैं। कल आप लोग जो पीछे बैठ रहे हैं, ये व्यासपीठ जो है बराबर में हो गई है, इसलिए दिख नहीं रहा है। हम भी जान रहे हैं, कल आदरणीय सांसद महोदय जी से कहकर, हम समझ रहे हैं, आप चिंता मत करो। हम जान रहे हैं कि आप लोगों के मन की जो दशा है, लगभग जहां तक ये पीठ है इससे थोड़ा ऊंचे पर इसको रखिए, तो पीछे जितने भी इधर उधर बैठ रहे हैं इनको तकलीफ हो रही है थोड़ा देखने में, हम जान गए हो, टेंशन ना लीजिए। हर हर महादेव। पर आज बैठो आप लोग आराम से, एक दूसरे के ऊपर पड़ित मत जाओ। तुम बिल्कुल कथा में आए हो ना, तो एकदम अलमस्त होकर बैठो, चकाचक। तुम्हें ऐसे नहीं बैठना किसी ने माट ठोक के बिठाया, हिलना मत। तुम तो चक बैठो एकदम आनंद में कथा का रसत्व ग्रहण करने के। हर हर महाराज। मेरा उभरता नहीं, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, मेरा शंकर। भ्रमण के लिए निकले हैं पार्वती जी के से, और शिव जी को बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज भूख। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती इतना भूख लग रही है, इतना भूख लग रहा है कि मुझे भोजन करना है, जल्दी कुछ व्यवस्था कर। पार्वती जी ने कहा, प्रभु चलो कैलाश चलते हैं और हम भोजन बना देते हैं। पार्वती जी, तेरे हाथ का भोजन करते करते तो बहुत समय हो गया, आज मेरा मन है कि पृथ्वी पर भ्रमण पे निकला हूं तो किसी के यहां यदि श्राद्ध हो रही हो तो मैं भोजन कर लेता हूं। 16 दिन श्राद्ध के चल रहे हैं और मैं भोजन कर लेता। पार्वती जी ने कहा कि तुम ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव, श्राद्ध का भोजन करोगे? श्राद्ध का भोजन? पार्वती जी ने जैसे कहा तो शंकर भगवान बोले कि पार्वती, तुझे मालूम नहीं है शायद, जब किसी के भी घर में श्राद्ध होती है और वो चाहे घी और शक्कर का भी थोड़ा सा भाग, कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर थोड़ा सा भी भाग अग्नि में छोड़ते हैं, तो शिवजी कहते हैं सबसे पहला अंश पितरों के पास बाद में जाता है, पहला अंश मेरे पास आता है, फिर मैं उस अंश को पितरों के पास भेज देता। तर्पण शिव महापुराण की कथा सुनने वाले जरा ध्यान से सुनिएगा महाराज। पहले भी कथा में कहा, 1 रुपए कमा रहे हो, 1.25 रुपए खर्च चल रहा है, घर में कोई बीमार बना हुआ है, घर में कोई तकलीफ आ रही है, कष्ट आ रहा है, तो केवल एक काम करना है कि हमें शंकर भगवान को 1 लोटा जल समर्पित करना। परंतु श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत जैसे अन्य समय में 108 मनके की माला से हम जाप करते हैं, 108 बार भगवान का नाम लेते हैं, 108 बार हम भगवान का पूजन करते हैं, उसी तरह श्राद्ध पक्ष में जब हम शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाए तो उसी जल को धीरे 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 27 बार भगवान शंकर को समर्पित करना चाहिए। कितनी बार? 27। या फिर 27 मनके की माला से जब करें, उसका फल क्या होगा? भगवान शिव अपने रूप रखकर इन पितरों को वो भाग देना चालू कर देते। भूल से भी 16 श्राद्ध के 16 दिन में से एक दिन भी अगर हमने एक ही पानी का कलश, एक ही लोटा, ऐसा नहीं कि तुम्हें 27 बार पानी भर के चढ़ाना, लोटा एक ही है, कलश एक ही है, और उसको धीरे 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 कर 27 बार छोड़ दिया जाता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर रोज हमारे पितरों को, रोज हमारे पूर्वजों को अगर हमने तर्पण भी नहीं किया है, जल भी नहीं दिया है, और शंकर भगवान को 27 बार जल का भाग हम समर्पित करते हैं अपने पूर्वजों के लिए, तो हम नहीं भी दे पाए तो एक बार में 16 दिन का जल हम अपने पूर्वजों को प्रदान कर देते हैं। शिव जी कह रहे हैं मुझे भूख लगी और मेरा मन है कि पृथ्वी पर कहीं पर भी अगर श्राद्ध हो रहा होगा तो मैं भोजन कर लेता हूं। तो पार्वती जी ने कहा, तुम कहां भोजन करने जाओगे? शंकर भगवान बोले, अयोध्या में जाऊंगा, अयोध्या में जाऊं और अयोध्या में जाकर आज मैं भोजन ग्रहण करूंगा। क्यों? आज दशरथ जी के यहां पे श्राद्ध है, मैं जाता हूं। शंकर भगवान तैयारी करे, ब्राह्मण लोग जा रहे थे भोजन करने के लिए, मेरा ओघड़दानी, मेरे शंभू, मेरे शंकर स्वयं एक ब्राह्मण का रूप रखकर भोजन करने के लिए अंदर प्रवेश कर गए। अब जब अंदर प्रवेश करे, जैसे ही अंदर प्रवेश करे, सब जितने ब्राह्मण थे सब भोजन करने के लिए बैठे, सबके लिए चांदी की थाली, स्वर्ण का कटोरा, सुंदर सुंदर पकवान आकर रखा है। मेरे भोले बाबा भी बैठ गए, मेरे भोले बाबा
अब देखिए शिवपुराण कहती है, यदि श्राद्ध का भोजन, श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत जो भोजन बनाया जाता है, वो भोजन घर की बहू अगर बनाती है, घर की माँ अगर बनाती है, घर की नारी अगर भोजन बनाती है, तो आधा भाग जो ब्राह्मण ने भोजन किया है, वो आधा भाग का भोजन तो जिस ससुराल पक्ष में बेटी भोजन बना रही है उसके ससुराल के भाग को प्राप्त होता है, और आधा भोजन का फल बेटी के मायके वाले को प्राप्त हो जाता है कि उसने भोजन करा। भोजन चालू हुआ, खीर मालपुआ सब परोसा गया, सबने खाना चालू करा। थोड़ी थोड़ी देर में ब्राह्मण भोजन कर उठना चालू कर दिया, पर मेरे देवाधिदेव महादेव जो जम के बैठे उठे नहीं। उठे ही नहीं। किसी किसी की आदत रहती है एक पंगत में काम नहीं चलता, दो तीन पंगत जरा जमदारी से लगाना पड़ती है। और अभी अभी तो यह बफेट चल गया, पहले के समय में तो पत्ते की पत्तल आती थी और उस पत्तल के पत्ते का ही दोना बनता था। बोलो जी जी सही है गलत है, पत्ते का ही दोना। और वो दोने को भी टिकाने के लिए जब पंगत में जाते थे तो जेब में दो चार पत्थर रख के लेके जाते थे कि रायते का दोना नहीं लुढ़कता। तो उस दोने को भी संभालने के लिए दो तीन पत्थर जेब में होते थे, जब रोटी खाने कहीं जाते थे, पंगत जिनने कहीं जाते थे शादी ब्याह में या कहीं नुक्ता मुक्ता में, तो जेब में पत्थर लेके जाते थे कि दोना रखेंगे। और साथ में अभी अभी तो ये सब कुछ ले जाना नहीं पड़ता, पहले तो प्लास्टिक का इतना बड़ा गिलास भी जेब में भर के लेके जाना पड़ता था कि पानी भी पीना पड़ेगा। और दोने को रखते आस पास में पत्थर टिका देते और फिर सबसे जोरदार ज्ञान तो भोजन के समय पर प्राप्त होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। भोजन के समय पे कैसे प्राप्त होता है? दो दोस्त और दोनों में मित्रता खूब, और दोनों चतुर, और दोनों साथी ने कहा एक ही जगह। अब इन्हें चतुरता क्या करें कि पहले तू बैठ जा मैं परस देता हूं, फिर मैं बैठ जाऊं तब तू परस देना। और इतने चतुर दोस्त कि खास खास आइटम ही लेके आते, सब्जी लाया तरी तरी डालता और उसने सब तरी तरी जोरदार उसके दोने में डाल दी, और फिर गुलाब जामुन लाया तो इशारे में उन्हें दो इशारा करा दो था उन्हें दो धर। अब देखो जैसे उसने खिलाया ना दोस्त ने, जैसे दो गुलाब जामुन रखी, तरी रखी ने जोरदार, गरम गरम पूरी रखी ने, खोपरा पाक रखा ने, बालू शाही रखी खूब जोरदार रखा। और ये अब खाने के बाद उठ गया, उठने के बाद अब उसकी बारी आई, और उसकी बारी आई तो वो बैठा, और वो बैठा, और इतने में ये सही से नहीं परोसे तो फिर अगली बार कोई परो, फिर इसकी बारी आई अच्छे से परोसे। शिवपुराण कर रही है, देवाधिदेव महादेव बैठे, भोजन चालू है, भंडारा चालू है, श्राद्ध चालू है, और भोजन करने के लिए जब देवाधिदेव महादेव बैठ गए और भोजन चालू हो गया, और भोजन चालू होने के बाद माता कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या सब भोजन में, सीता, उर्मिला, मांडवी, सुकीर्ति सब भोजन में लगी हुई है, और सब भोजन बना बना के दे रही है, माताएं परोस रही है, बड़े प्रेम से भोजन चल रहा है। भोजन चलते 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 सब उठ गए, पर महादेव नहीं उठे, नहीं उठे। इतनी देर में उर्मिला जी दौड़ कर आकर बोली सीता जी के पास, जी जी, ओ जी जी, जी जी बोली क्या बात है? सीता जी ने कहा उर्मिला क्या हो गया? उर्मिला जी बोली सब पंडित उठ गए पर एक पंडित बैठा है वो नहीं उठ रहा है। सीता जी बोली तू एक बार एक काम कर, पानी भर के ले जा और पूछो महाराज पानी पियोगे? तो फिर इतने में उर्मिला जी पानी लेके, प्रभु पंडित जी पानी? पंडित जी बोले हमारे यहाँ पानी एंड में पीते हैं। तो उर्मिला जी ने पूछा पंडित जी एंड कब होगा? तो पंडित जी बोले अभी तो शुरुआत है, महत्तम चालू हुआ, टेलर चालू हुआ, ठीक है। अब उर्मिला जी दौड़कर फिर सीता जी के पास गए, जी 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 बोली क्या बात है? कि वो तो अभी तुम एंड में पानी लेंगे? तो सीता जी बोली ले जा और ले जा, पूरी ले जा, कचौड़ी ले जा, भजिया ले जा, मालपुआ ले जा, खीर ले जा, सब ले जा, ले जा। फिर दिया भगोने खाली होते गए, बर्तन खाली होते गए। सीता जी ने फिर सुकीर्ति को बुलाया, सुकीर्ति इधर आओ। सुकीर्ति ने बोला हाँ जी जी, जाओ जरा पंडित जी से पूछ कर आओ भोजन कैसा बना। पंडित जी के पास सुकीर्ति जी गई, प्रभु भोजन कैसा बना? पंडित जी बोले भोजन तो क्या जोरदार बना है, पूछो ही मत, पानी लिया। शंकर जी बोले एंड में ले लिया। जैसी सुकीर्ति जी अंदर गई, सीता जी ने पूछा उठ गया? सुकीर्ति जी बोली वो तो अपन सबको उठा के उठेगा, वो कोई ऐसे उठने वाला अभी तो बैठा है। कैकेयी मैया आ गई, कैकेयी जी ने पूछा सीता तुम्हारे सिर पर पसीने की बूंद जमी हुई है, श्राद्ध चल रहा है ससुर का और तुम्हारे सिर पर पसीने की बूंद, कोई दिक्कत है क्या? नहीं माँ, एक ब्राह्मण भोजन करने बैठा है। कैकेयी बोली वो तो सब ब्राह्मणों के साथ बैठा था। हाँ माँ, पांच बार की पंगत उतरी पर अभी तक वो नहीं उठा। माँ तो अब तो
सुबेरे का भोजन चल रहा है 10 बजे का, दोपहर की 2-3 बजे या तो उठने वाला होगा, जाओ थोड़ा उड़ दिया। तो सीता जी बोली, दे तू आती माँ, पर भंडारे में भोजन की कमती हो गई। भोजन की कमती, एक काम करो डबल से बनाओ। सीता जी बोली, 6 बार बना चुके, अब अंदर का पूरा माल निकाल के रख दिया। केकई तुरंत आवाज लगाकर बोली, द्वार वालों से कहो बाजार में से सामान लेकर आए, और सीता फिर भोजन बनाओ। सास ने आवाज लगाई कि बाजार से भोजन लेकर आओ, जिमा। इतने में सारे द्वारपाल भागे और बाजार से भोजन ले लेकर आने लगे। जब आटे की बोरियां बाजार से आने लगी और शंकर जी के सामने अंदर जाने लगी, इतने में शंकर भगवान ने रोक कर पूछा, रुको रुको, क्या ले जा रहे हो अंदर? तो क्या, अभी आटा ले जा रहे हैं, उसने का फिर पूरी बन के तुम्हारे पास आएगी। इतने में पंडित जी बोले, शंकर भगवान जो पंडित के वेश में थे, वो बोले, अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है, तुम तो यही धर दो। इतना अंदर जाएगा फिर वापिस आएगा, फिर मैं खाऊंगा, उससे अच्छा यही रख दो तुम, तो मैं आराम से खा लूंगा। आटे की बोरी रख दी, बेसन की बोरी रख दी, मैदे की बोरी, रवे की बोरी, घी, तेल, शक्कर सब लाला के रख दिया, और भोलेनाथ जी खाना चालू कर दिया। खाते गए, खाते गए, खाते गए, खाते गए, उठे नहीं। इतने में सीता जी की आंख में जल भर गई। कौशल्या जी ने पूछा, जानकी तुम रो रही हो? आज ससुर जी की यहाँ का श्राद्ध है और घर की बहू रोए, ये अच्छी बात नहीं है, तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ तुमको? इतने में सीता जी बोली, माँ एक पंडित भोजन करने बैठा है तो उठ नहीं रहा, पानी का पूछो। सीता जी बोली, अब की बार मैं ही जाता। सीता जी हाथ में जल लेकर पहुंची ब्राह्मण देवता, अगर आपका आधा हो गया हो तो पानी थोड़ा सा पी लीजिए। इतने में ब्राह्मण देवता बोले, आधा तो होने दो, जब आधा होगा मैं पी लूंगा। सीता जी ने मन में सोचा, अभी तो आधा ही नहीं हुआ और अपन तो एंड की तैयारी में। सीता जी रोती रोती आंख में जल भरकर भगवान राम जी के पास पहुंचे। राम जी महाराज तो बड़ी मस्ती में बैठे हुए थे, तुरंत सीता जी को कहा, जानकी भोजन ब्राह्मण जिनके चले गए? सीता जी बोली, सब चले गए, एक ही बैठा है, उठ नहीं रहा। तो उसको अच्छे से जिमा। सीता जी बोली, सारा सामान जिमा दिया, भंडार का सामान जिमा दिया, सूखा जितना रखा था वो जिमा दिया, दुकानों पे से लाकर अंदर तो आया ही नहीं, बाहर निपटा गया। तो राम जी बोले, फिर सीता जी बोली, अब आप बताओ क्या करें? राम जी बोले, पहले मुझे देखने दो कि भोजन करने बैठा कौन है। मेरे राम जी जो जाकर झरोके में से जाके झांकते से पहचान गए कि आज मेरे महादेव अकेले नहीं 33 कोटि देवी देवताओं को अपने अंदर बिठाकर भोजन कर रहे हैं। आज मेरे महादेव 33 कोटि देवताओं को अंदर बिठाकर भोजन कर रहे हैं। तब सीता जी को आवाज लगाकर कहा, अब तू मत जा, जो ज्यादा एक्शन मारे ना तो कुछ मत करो, जो पार्टी में ज्यादा इतराए उसकी पत्नी को लाके खड़ा कर दो, फिर देखो बापड़े को। तुरंत चुप, साइलेंट, फिर हंसेगा भी नहीं और हंसेगा भी तो ही उसको देख कर, इससे ज्यादा हंसेगा भी। अंग्रेजी में पति को हस्बैंड कहते हैं, हस्बैंड, वो बैंड गलत हो गया, पहला था हस्बैंड, हंसने पे बैंड है, पर वो बैंड लगा दिया। अब शिवजी को देखकर राम जी ने कहा, तू टेंशन मत ले, सीता रुक जा, तू रुक जरा, मैं अभी आमंत्रित करता हूं। और भगवान राम ने मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती का आह्वान किया, हे मां पधारो, स्वामी भोजन कर रहे हैं, और माता के बिना भोजन हो जाए ये श्रेष्ठता नहीं है। पार्वती जी ने, स्वामी हाँ, मेरे तीन ऐसे हैं जिनका नाम बार बार नहीं लिया जाता। पहला, एक सौभाग्यवती नारी अर्धांगनी पत्नी अपने पति का नाम बार बार अगर लेती है तो तिल भर उसकी उम्र घटती है और उसके शरीर में रोग प्रारंभ होता है, गर्ग संहिता में वर्णन है। दूसरा, घर की मां ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार लेती है तो वो ज्येष्ठ पुत्र को जीवन में दुख बहुत झेलना पड़ता है। ज्येष्ठ पुत्र घर का बड़ा पुत्र, हाँ, अगर घर में बड़ी बेटी है उसके पास पुत्र है तो वो ज्येष्ठ नहीं कहलाएगा। बड़ी बेटी है तो बेटी का नाम मां बार बार ले सकती है, पर ज्येष्ठ पुत्र, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हो, आप अपने घर के बड़े व्यक्ति को देखना, उसके घर की माँ अगर बड़े बेटे का नाम बार बार लेकर पुकारेगी, कृष्ण राम कुछ भी जो उसका नाम है, हरि किसान जय नारायण जो नाम है उसका, उसको माँ बार बार लेकर पुकारेगी। ज्येष्ठ पुत्र का नाम जब माँ बार बार लेकर पुकारती है तो ज्येष्ठ पुत्र को 3 तकलीफों से गुजरना ही पड़ता है, एक तन दुखी, दूसरा मन दुखी, तीसरा धन दुखी। या तो वो तन से कष्ट में होगा, या मन से कष्ट में होगा, या धन से कष्ट में होगा, उसका जीवन थोड़ा ना थोड़ा संघर्ष में निकलेगा। क्यों? क्योंकि माता का फर्ज है कि ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार मुख से ना लिया जाए। अगर ज्येष्ठ पुत्र को, बड़े पुत्र को माँ को बुलाना है तो उसके नाम से ना बुलाते हुए कोई उपनाम, कोई साधारण सा नाम माँ को अपने बेटे का रख देना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पर जो बड़ा बेटा होता था ना तो उसको माँ बड़े प्रेम से हर कुछ बोल देती थी, ये तो कल्लू है, ये तो लल्लू है, ये तो पप्पू है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा, कुछ भी उसका नाम माँ कुछ भी अपने मन से रख देती थी। क्योरे कनवा, क्योरे काना, माँ उसका नाम रख देती थी। क्योरे रघु, क्योरे रघुवीर, माँ उसका नाम कुछ भी रख देती।
पहला, सौभाग्यवती नारी अपने पति का नाम देती है तिल भर उम्र गड्डी। दूसरा, माँ अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार ना ले, उसका नाम परिवर्तित कर दे, ये मेरा लाला है, नाम कुछ भी हो ये लाला है, ये काना है, उसका नाम चेंज कर दे, बदल दे। बोलते समय बार बार अगर ज्येष्ठ पुत्र का भी देखना, ये शास्त्रों के जो सुख हैं आप अपने घर में देख सकते हैं, आप अपने घर में अनुभव करना, जो घर का बड़ा बेटा है और माँ उसका नाम, जो उसका नाम है उसी को माँ बार बार लेकर पुकारती है, तो जो बड़का घर का बड़ा बेटा होता है, ज्येष्ठ पुत्र होता है, उसको थोड़ा ना थोड़ा कष्ट सहन करना ही पड़ता है। तीसरे नंबर पर गुरु का नाम, शिष्य गुरु के नाम का स्मरण अर्थात गुरु मंत्र का स्मरण करे। बार बार आप बोल सकते हो ये हमारे गुरुजी हैं, ये हमारे गुरुजी हैं, साबो अशोक नगर में रहते हैं, साबो गुना में रहते हैं, साबो शिवपुरी में रहते हैं, साबो वहां रहते हैं, आप कह सकते हो ये हमारे गुरुजी, उस मठ में रहते हैं वो हमारे गुरुजी, आदमी पहचान जाएगा। क्या नाम लेना गुरु का जरूरी है कि वो कमलकांत जी, वो रामकिशोर जी, ये हमारे नाम, गुरु का नाम अगर तुमने गुरु मंत्र लिया है, आप गुरु दीक्षा ग्रहण करे हो तो गुरु के नाम का स्मरण भी गुरु मंत्र का स्मरण करो, पर गुरु का नाम बार बार अपनी जिज्ञासा से नहीं कि मेरा गुरु ये नाम है, उनका ये नाम है, ये नाम है, ये नाम है, हरिकृष्ण नाम है तो जयनारायण नाम है तो रामकृष्ण नाम है, नहीं नहीं नहीं, वो मेरे गुरु है, बस गुरु पद मूल है, गुरुपद की मूल। पार्वती जी ने पूछा कौन, मेरे स्वामी, हाँ मेरे स्वामी भोजन कर रहे हैं, हाँ। जैसे सुना पार्वती जी ने और सुनकर माता पार्वती तुरंत कहती, आप चिंता मत करो राघव जी, मैं अभी आती हूँ। और पार्वती मैया ने नाक में बड़ी सी नथनी पहनी, सुंदर मोती की लड़ लगी है, कानों में झुमका पड़ा है मेरी माता के, सिर पर लाल बिंदी बड़ी सारी, होठों पर लाली, नैनों में सुरमा, मस्तक पर गजरा और माता के हाथों में सुंदर मेहंदी लगी हुई है, पांव में महाबूब लगा हुआ है, मेरी माँ सुंदर टोकनी लेकर सामने खड़ी हो गई और भोलेनाथ तो खाने में लगे थे, उनका ध्यान गया नहीं कि मेरे सामने कौन खड़ा है, और उन्होंने एक बड़ा सा लड्डू निकालकर चूर में कहा शंकर जी की पत्तल में रख दिया। शिव जी ने जो लड्डू खाया, खाते से शंकर जी को लगा ये तो कोई पहचान वाला है। तुरंत देखा तक नहीं कि कौन ने परोसा, उतनी देर में पहचान लिया। बहुत चतुर होती है माताएं, कथा में भी बैठी रहती है ना, एक जरा सा गाड़ी का हारन बजता ना उतने में पहचान जाती है, आ गया तुरंत कि वाया गाड़ी का हारन बजा, हारन से पहचान जाती। सबसे ज्यादा दिक्कत पहले की रामलीलाओं में बहुत आती थी, रामलीलाओं में पति भी जाता था पत्नी भी जाती थी, और रामलीला होती थी रात की, अब पत्नी को टेंशन रहता था दिख नहीं दिया, अब इसको अपना पति नहीं दिखे तो एक पर्ची लिख के भेज दे मंच पे, कालू सिंह तुम्हारी माताजी की तबीयत ज्यादा खराब है, तुमको घर पे बुला रहा है, अब इसको दिख नहीं दिया था बहुत देर से, तो इसने पर्ची भेजी, पर्ची भेजी और मंच पे रामलीला वाले में माइक पकड़ के बैठा जैसे हमारा आशीष मूछ वाला ऐसे वो चिल्लाता, और उसने आवाज लगाई कि कालू सिंह तुम्हारे घर पे तुम्हारी माताजी की तबीयत खराब है। इतनी देर में कालू सिंह उठा और इसने देख लिया, तो इसने दूसरी पर्ची भेजी, माँ अच्छी सुन गई, दूसरी पर्ची बैठे दिख नहीं रहा, उतनी देर में तो दिख गए। अब पार्वती मैया ने चूरने का लड्डू बड़ा सारा शिवजी के सामने रखा, शंकर जी ने लड्डू खाया और खाते से ही पहचान गए कि बाबा ये तो पहचान वाला लगता है, तो भोलेनाथ तुरंत लड्डू मुंह में भरा और भरते से जो सामने देखा, क्योंकि शिवजी खाते गए किसी को नहीं देखा कि सीता आई की उर्मिला आई की मांडवी आई की सुकृति आई की केकई आई कौशल्या आई, किसी को नहीं देखा, पर जो मुंह में लड्डू लेकर जो पार्वती जी को देखा, देखते से ही पार्वती जी बोली कितने दूं, शंकर जी बोले हो गया एक में हो गया। पतियों की आदत है, अकेले अगर पार्टी में गए हैं तो कम से कम दो ढाई घंटा सूरमा जैसे घूमेंगे, और अगर इनके साथ में जगत जननी गई है फिर देखना थोड़ी देर खाना खाने के बाद बोलेंगे चलें चलें चलें। अब पत्नी कह रही है रुको तुमने तो खा लिया, हमेशा तो दो घंटे तीन घंटे में आते थे, आज मेरे साथ आए तो जल्दी। पति बोलेगा तेरे चक्कर में तो जल्दी में, कोई आ गया और सेल्फी लेने लगा तो आप खड़ी कर दे, तू चले तू चले तू चले। अब थोड़ी हुई शिवजी के सामने माता पार्वती बोली कितने लड्डू और रखो, शंकर भगवान बोले एक में हो गया। पार्वती पर एक बात बता तू यहां कैसे आ गया, पार्वती जी बोली तुम मेरे स्वामी हो, आद्य शक्ति हूं मैं, मुझे जो आमंत्रित करता है मैं जाती हूं, राम जी ने मुझे बुलाया था आप उठ नहीं रहे थे इसलिए। शिवजी ने कहा आपने मुझे अन्नपूर्णा बनकर भोजन दिया,
श्राद्ध में अन्नपूर्णा बनकर भोजन दिया है। बुलाओ राम सीता को। राम सीता आए, शंकर भगवान ने वर दिया, सुनो सीता, सुनो जानकी माँ, श्राद्ध पक्ष में जिसके घर में भोजन बनता है, पूरे 16 दिन में से अगर एक दिन भी कोई श्राद्ध का भोजन किसी के घर में बनेगा, वर्ष भर उसके घर में कभी अन्नपूर्णा की कमी नहीं आएगी। ये मेरा वर है। 16 दिन आप किसी का श्राद्ध नहीं कर सकते, तो किसी एक का श्राद्ध, कोई दादा गया हो, परदादा गया हो, कोई पूर्वज गया हो, उसके निमित्त का भोजन घर में बनना चाहिए। और किसी विद्वान ब्राह्मण जो गायत्री करता हो, संध्या करता हो, भजन करता हो, कीर्तन करता हो, मंत्र जाप करता हो, किसी में कोई ए बना देखता हो, कोई निंदा नहीं करता हो, ऐसे ब्राह्मण जन को भोजन करा देना चाहिए। वो जीव भी तर जाए और अपने को भी आनंद की अनुभूति हो जाए। ऐसी चीज की देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना, वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना, क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना, शूद्र का कर्म है सेवा करना। ये चारों ने अपने अपने कर्म के अनुसार अपने आनंद को बांटा। चारों पर देवराज नाम का ब्राह्मण ब्राह्मण कर्म से वंचित था, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था, बहुत अच्छा जीवन जी रहा था। और अच्छा जीवन जीते 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 एक नारी का संग पकड़ लिया। एक नारी का संग, देखिए पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे, तुम्हारे पेट भरने की जवाबदारी मेरे परमात्मा की है, पर तुम्हारी पेटी भरने की जवाबदारी मेरे परमात्मा की नहीं है। क्या भरेगा वो तुम्हारा पेट? भरेगा पेट भरने की जवाबदारी परमात्मा की। वो तो कहता है तेरा जन्म नहीं हुआ और माता के स्तनों में मैंने दूध दिया तेरा भरण पोषण के लिए, और मरेगा तो भी चिंता मत करना, आखिरी में भी अगर परिवार वाले अग्नि देने नहीं आएंगे, कफन देने नहीं आएंगे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान गीता में कहते हैं कि मैं स्वयं अगर जन्म दिया है तो मृत्यु भी मैं दूंगा, माता के स्तनों में दूध दिया है तो कफन और अग्नि भी मैं दूंगा, तू चिंता करना छोड़। तो क्यों टेंशन है? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। अगर जन्म मैंने दिया तो मृत्यु में, जब सारी दुनिया से हार जाओ, सारी दुनिया के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर थक जाओ, शिव महापुराण की कथा कहती है फिर अंतिम बिंदु है मेरा शिव, मेरा ईश्वर, मेरा भगवान, भोले बाबा को धन्यवाद देना, मेरे को कौन जानता था, कौन पहचानता था, क्या मेरा जीवन था, वरना वो कात क्या थी सबसे बढ़िया सबसे शिवभक्ति, शंकर की भक्ति, शंकर का स्मरण, शंकर का गुणगान, तुम दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से मांगो तो देगा। हृदय से देवराज पत्नी के लिए कमाता शिव देते, बच्चों के लिए कमाता शिव देते, परिवार भाई बंधु कुटुंब के लिए कमाता शिव देते, संसार के कल्याण के लिए परमार्थ के लिए कमाता शिव देते, पर जब व्यक्ति व्यसन में गलत चीज में डूबने लगता है, गलत मार्ग में जाने लगता है, तो भगवान धन से हाथ खींचना चालू करते हैं, फिर जीवन बेकार हो जाता है। वो जीवन बेकार देगा, वो जन्म दिया है तो पेट भरने की जवाबदारी उसी की है। पर आप अपने परिवार में और परमार्थ का काम सत्कर्म करते रहिए, देने में कमी नहीं आएगी। जिस कुएं में पानी भरा ही रहता है वो कुएं में एक दिन बदबू आने लगती है, जिस कुएं से पानी निकलता रहता है उसमें दूसरा पानी आता रहता है। धन संपदा भगवान दे, उसको सत्कर्म में लगाने का प्रयास करो, आता रहेगा, कमी नहीं पड़ेगी। बच्चिए फिर कहेंगे धन होगा जेब में, अगर मोबाइल है, गले में चेन पड़ी है, तुम्हारे पास में धन रखा हुआ है, धन होगा तो चोर की दृष्टि जरूर होगी, सुंदरता यदि आपकी है तो लुच्चों की दृष्टि जरूर होगी, और यदि भीतर शिव भरा है तो महादेव की दृष्टि जरूर होगी। ये निश्चित है, ये निश्चित है आपके जाने ना। देवराज ब्राह्मण
शरीर में ताप पड़ गया। शिव जी के मंदिर में चोरी का सामान लेकर पहुंच गया। शंकर भगवान की कथा चल रही थी, दो क्षण की कथा उसके कानों में पड़ गई। वो दो क्षण की कथा उसका कल्याण कर गई। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे वो बैठा और शरीर से प्राण निकले, शिव धाम चले गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे यहाँ पर श्राद्ध पक्ष में कौए को भोजन दिया जाता है। बोलो देते कि नहीं देते, जम के बोलो जरा। देते हैं, गौ माता को भोजन दिया जाता है, स्वान को भोजन दिया जाता है, किसी भिक्षुक ब्राह्मण कोई भूखा कोई साधारण कोई व्यक्ति को भोजन दिया जाता है। क्यों? केवल श्राद्ध पक्ष, इसके पीछे साइंस का ये नहीं कि केवल ब्राह्मण अपनी मर्जी से इसको बोल दिया कि कौए को भोजन देना चाहिए, गौ माता को भोजन देना चाहिए, स्वान को भोजन देना चाहिए, मित्र ब्राह्मण जन को भोजन देना चाहिए। केवल ब्राह्मण ने या हमारे शास्त्रों ने केवल किसी के पक्ष की बात नहीं लिखी, इसके पीछे साइंस का रीजन भी है। आप अंदाजा लगाइए, कौआ श्राद्ध पक्ष में जो भोजन करता है, कौआ श्राद्ध पक्ष में अगर थोड़ा सा मीठे का भोजन करता है तो कौआ श्राद्ध के भोजन को खाने के बाद, मीठे भोजन को खाने के बाद पीपल के वृक्ष पर बैठता है। पीपल के वृक्ष के फल को कौआ खाता है। पीपल के वृक्ष का जो फल है वो कौए के पेट में जाता है। कौए के पेट में जब पीपल के वृक्ष का फल जाता है और उसने कुछ मीठा खाया होता है तो अंदर जाकर एक प्रतिक्रिया प्रारंभ होती है जिससे वृक्ष का निर्माण होता है। ये पीपल का वृक्ष कहीं से उठता नहीं है, कौआ उड़कर पीपल के फल को खाने, श्राद्ध का मीठा भोजन खाने के बाद उधर में एक प्रतिक्रिया से एक बीज उत्पन्न हो जाता है। कौआ पेड़ पर बैठे, कौआ दीवार पर बैठे, कौआ रेत पर बैठे, कौआ जहां जाकर बैठे और वो विश्वास करता है, गंदगी करता है, तो उसके अंदर जो खीर मीठे का भोजन और पीपल का जो फल खाया था उसका भाग उसके पेट के अंदर जो बीज उत्पन्न करता है वो जहां जाकर गंदगी करता है विष्ठा करता है वहीं पर पीपल का पेड़ उगना प्रारंभ हो जाता है। पीपल के वृक्ष का निर्माण कौआ कर देता है। साइंस का रीजन है कि कौए को भोजन क्यों कराना चाहिए। आप ऐसे मत कराओ तो ऐसे तो कराओ कि कौए को निवाला देना चाहिए, ग्रास देना चाहिए, कौए को भोजन देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कौआ जितना खीर ग्रहण करेगा, जितना खीर का भाग उसके उदर में जाएगा तो उसको ठंडक चाहिएगी, ठंडक चाहिएगी तो पेड़ पर जाएगा, पेड़ पर जाएगा तो पीपल के पेड़ पर बैठेगा, उसका फल भोजन को पचाने के लिए खाएगा, खाएगा तो विष्ठा करेगा और विष्ठा करेगा तो पीपल का पेड़ जन्म लेगा। आप अगर वृक्ष नहीं लगा सकते तो आपने जो खीर खिलाई है उस खीर से भी पीपल का वृक्ष का निर्माण हो जाता है, प्रकृति का सुंदरता बन जाता है। इसके पीछे तो साइंस आप ना बिना इस भाव से खिला सकते। महाराज इतना सुंदर लिखा है शिव महापुराण के अंतर्गत आता है, स्वप्न में चार जगह पर अगर पितृ घर के पूर्वज दिख रहे हैं तो उसका फल क्या होता है। तर्पण शिव महापुराण की कथा में अच्छे से सुनिए, मेरी माताओं से भी निवेदन है, मेरे भाइयों से भी निवेदन है, आपके घर के पूर्वज जो मर चुके हैं आपके सपने में अगर चार जगह पर नजर आ रहे हैं तो उसका फल देखिए। पहला, अगर आप सोए हो और आपके पितृ आपके पूर्वज जो मर चुके हैं वो आपके सिर के पास खड़े हुए दिख रहे हैं तो डरना मत, बल्कि भगवान को धन्यवाद देना कि आज मेरे पितृ मेरे सिर के पास मेरे पूर्वज खड़े हुए हैं। कारण जब सिर के पास स्वप्न में मरा हुआ व्यक्ति नजर आता है, जो मर चुका है, जो पितरों में चला गया, जो बहुत साल हो गए हुए और वो हमारे सिर के पास खड़े हुए स्वप्न में दिख रहे हैं तो समझ लेना कोई खुशखबरी घर में बहुत अच्छी आने वाली है। दूसरा, वही पितृ वही पूर्वज जो मरे हुए हैं जो चले गए हैं वो हमारे पांव के पास अगर नजर आ रहे हैं तो समझो कि घर में कोई तकलीफ आने वाली, उसका स्मरण। तीसरा, यदि थोड़ी सी देर के लिए हमारे पितृ या हमारे पूर्वज जो मरे गए हैं वो हमें थोड़ी सी देर के लिए दिखे और अचानक उज्जवल हो गए, समझ लेना कि कोई क्षण भर की समस्या हमारे सामने आएगी, उससे हमें घबराना नहीं है। और चौथा, किसी पेड़ पर या घर के अंदर, घर के बाहर नहीं, घर के अंदर या किसी वृक्ष पर हमारे पूर्वजों को हमने स्वप्न में देखा है तो समझ लेना कि हमारी उन्नति की सीढ़ी बढ़ने वाली है, कोई अच्छा काम हमारी ओर। अब कई लोग कहते हैं हमारे पितृ दिख रहे हैं, हमारे मरे हुए दादाजी दादी जी वो मर गए तो हमको दिख रहे हैं, गुरु जी कैसा होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, गर्ग संहिता कहती है, स्कंद पुराण कहती है, आप ध्यान तो दो कि पूर्वज पितृ कभी बुरे नहीं होते, कभी बुरे उनका काम केवल देने का। मृत्यु लोग चंद्रलोक, चंद्रलोक के ऊपर है पितृलोक, पितृलोक कहां पर है, चंद्रलोक के ऊपर। पितरों का काम क्या है, पितरों का धर्म है क्या, जब कोई मर जाता है इसको दूसरे शरीर में भेजा जाता है जीवात्मा को, उस जगह पर पितर क्या करते हैं, पितरों का काम क्या है, पितरों का कर्म क्या है। भगवान विष्णु का काम है, ब्रह्मा जी को आदेश दिया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करा, शिव जी ने समय समय पर इसका वर्णन कर संहार किया। पितरों का कर्म क्या है, पितरों का सबसे बड़ा कर्म है
जिस समय पर ये जीवात्मा दूसरे शरीर में दी जाती है उस समय पर पितृ खड़े होकर अपने कुल के उस जीव का निर्माण करवाते हैं और उसको शरीर दिलवाते हैं। अगर कोई हाथ से, पैर से, आंख से, कान से, शरीर से कोई विकलांग अगर जन्म लेता है, माता के गर्भ से कोई बच्चा जन्म लिया, उसका पांव ठीक नहीं है, उसका हाथ ठीक नहीं है, उसका कान ठीक नहीं, चेहरा ठीक नहीं, आंख ठीक नहीं, मुंह ठीक नहीं, तो ये कोई दूसरा नहीं करता, ये हमारे पितृ करते हैं। जब वो निर्माण करवाते हैं तो देखते हैं कि पूर्व समय में इसने क्या कर्म करा है, तो इसको शरीर कैसा मिलना चाहिए, शरीर का स्मरण कैसा होना चाहिए। एक जरा सी गलती गांधारी से हो गई थी और वो गांधारी को भोगना पड़ा, छोटी सी गलती, पूर्व समय में गांधारी सबसे सुंदर, पूर्व समय में गांधारी सबसे सुंदर नारी थी, बहुत सुंदर, उसकी सुंदरता का बखान जगह जगह पर चलता था। अब एक हाकिम ने आकर कह दिया, महारानी जी आपके लिए औषधि बनाना चाहता हूं, ऐसी औषधि जिसको तुम तुम्हारे चेहरे पर लगा लोगी तुम जिंदगी में कभी बूढ़ी नहीं होगी, तुम सुंदर बनी रहोगी। महारानी जी कहो तो औषधि बना दूं। हाकिम के कहने पर राजकुमारी ने कह दिया औषधि बनाओ, पर हाकिम ने कहा औषधि तो बना दूंगा पर इसमें थोड़ी सी हिंसा होगी। आप समझ सकती हैं, महारानी ने कहा कैसी हिंसा, मुझे कोई मतलब नहीं, तुम तो भले हिंसा हो पर दवाई बनाओ, औषधि बनाओ। गांधारी पूर्व समय की जो रानी थी उसने हाकिम से कहकर औषधि बनाई। क्या चाहिए औषधि बनाने के लिए, तो कहा 100 केचुए चाहिए। 100 केचुए, हाँ इन केचुओं का क्या करोगे, उसको पीस कर दवाई उसी में मिलाकर दूंगा जिसको आप अपने चेहरे पर लगाना, आप कभी बूढ़ी नहीं दिखोगी। राजकुमारी ने कहा 100 केचुए लाए जाएं और दे दिए जाएं। 100 केचुओं को लाकर हाकिम ने राजकुमारी से पिसवाया और उसमें दवाई मिलाकर राजकुमारी को दी। राजकुमारी ने चेहरे पर लगाया, भले बूढ़ी नहीं हुई पर अगला जन्म जब गांधारी का पाया, आंखों पर पट्टी बंधी है, पुत्र मर चुके हैं, गांधारी कृष्ण से करेंगे मुझे अपने बेटों का एक बार दर्शन करा दे, मैंने अपने बेटों को नहीं देखा, मैंने सुना है मेरे सारे के सारे बेटे मर गए, तू एक बार मिला दे। गांधारी को पकड़कर भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में ले जाकर खड़ा कर दिया। गांधारी से कहा पट्टी खोलो आंखों की। गांधारी ने आंखों की पट्टी खोली तो सामने एक बोर का बेर का पेड़ दिखा, एक बेर का पौधा, एक बोर पर जो बेर हम खाते उसका पौधा नजर आ गया, पर पौधा दिखते से तुरंत गांधारी ने बेर तोड़ना चाहे पर बेर तो ऊंचे लगे थे। गांधारी ने एक शव को उठाया, दूसरे शव को उठाया, तीसरे शव को उठाया, शवों का ढेर लगाया, गांधारी उस पर चढ़ गई और बेर तोड़कर खाने लगी। खाने के बाद गांधारी को याद आया कि मुझे तो अपने बेटों से मिलना जो मर गए। कृष्ण से कहा काना मेरे बेटे कहां हैं। कृष्ण कहते हैं गांधारी काकी जो आपके पांव के नीचे मसले जा रहे हैं ये आपके बेटे ही हैं। गांधारी कहती है मेरे बेटों की यह दशा कैसे हो गई, मैंने कोई पाप नहीं करा, मैंने कभी कोई गलत कर्म नहीं करा, फिर यह दशा हुई कैसे है। भगवान कृष्ण ने कहा गांधारी काकी पूर्व समय में तुमने 100 केचुओं को मलवाया था, वो 100 केचुए आज आपके सामने मले हुए पड़े हैं, जैसा दूसरे के साथ करोगे वैसा भोगने के लिए तैयार बैठे। इसलिए हमेशा याद रखो मत बुरे कर्म कर, मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।